हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत अच्छे से दाल ढोकली। तो उसके लिए मैं थोड़ा काठियावाड़ टाइप की दाल ढोकली बनाऊंगी। तो उसमें दाल में थोड़ा मसाला फ़र्क पड़ता है। उसके लिए हम सबसे पहले अरहर की दाल मैंने ली है, एक कप से थोड़ी सी ज़्यादा अरहर की दाल ली है, एक कप फुल ली है। उसके बाद मैंने 1/4 कप और डाली है। तो इतनी ये अरहर की दाल है। इसको हम धो करके खूब अच्छे से 3-4 पानी से धो करके मैं इसको नमक और हल्दी डाल करके प्रेशर कुकर में गलने के लिए चढ़ाऊंगी। और इसको सिम पर करीब 20 मिनट लगेंगे। धीमी धीमी आंच पर इसको मैं 20 मिनट पका लूंगी और इसको अच्छे से गला लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दाल चढ़ा दी है और दाल में उसका डबल बिल्कुल पानी मैंने डाल दिया है, डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा। बाद में हम इसमें और पानी हमें डालना पड़ता है। अभी हम बस उतना पानी डाल रहे हैं कि दाल अच्छे से गल जाए और गाढ़ी बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कुकर में लग ना जाए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और आधा छोटा चम्मच हल्दी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हल्दी डाल दी है और मैंने इसमें नमक डाल दिया है और मैं इसका प्रेशर लगा के इसको धीमी आंच पर, अभी इसमें प्रेशर आएगा फिर मैं इसको सिम कर दूंगी और धीमी आंच पर इसको मैं 15 मिनट पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस कप के नाप से करीब 3 कप आटा लिया है और इसमें मैं अभी 4 चम्मच बेसन डालूंगी। मैंने 1/4 कप बेसन इसमें डाल दिया है और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। करीब मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच नमक डाला है और इसमें मैंने हल्दी भी डाली है, तकरीबन आधा चाय का चम्मच हल्दी डाली है। अब मैं इसमें थोड़ी सी, तकरीबन आधा चाय का चम्मच ही इसमें मैं अजवाइन डालूंगी और हाथ से ऐसे क्रश करके डालूंगी और इसको मैं अच्छे से मुलायम होने तक मल लूंगी। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आटा मैंने मुलायम मल लिया है। इसमें मैंने धीरे धीरे इसमें मैं तेल डाल रही हूँ और इसको मैं एक सा चिकना कर लूँगी। इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाला है। इसको खूब अच्छे से मैं चिकना करके इसको मैं मल लूँगी। देखिए, ये आटा तैयार हो गया है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम चिकना हो गया है बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल चिकना हो गया है आटा, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम। ये देखिए, इसको हम 10 से 15 मिनट तक फूलने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसन भी है। बेसन थोड़ा सा पानी लेता है, आटा भी थोड़ा सा पानी लेता है। इसको हम ढक के फूलने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी दाल गल गई है बिल्कुल बढ़िया सी।
कुकर में मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पानी बहुत कम है, बिल्कुल बिल्कुल बस गलाने के लिए करा था, बिल्कुल घुट गई है बढ़िया दाल। अब हम दाल का तड़का बनाएंगे। तो मैंने घी गरम किया है, बस इसमें मैंने 2 टीस्पून देसी घी डाला है। इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ बारीक कटी हुई, दूसरी तरफ फ्रेंड मैंने देखिए पानी चढ़ा दिया है, ये पानी मैंने चढ़ाया है ढोकली के लिए, इसमें हम ढोकली बना के बॉईल करेंगे। मैं पहले दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ, प्याज हम लाल लाल भून लेंगे, लहसुन की 5-6 छोटी छोटी देसी लहसुन है, लहसुन की 5-6 कलियाँ डाल दी हैं, इनको भी मैं प्याज के साथ फ्राई कर लूंगी। खूब अच्छे से इनको हम फ्राई कर लेंगे, लाल कर लेंगे। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून राई, फ्रेंड्स अब देखिए राई तड़क जाएगी, मैं इसमें डालूंगी दाना मेथी। ये भी मैंने 1 टीस्पून डाली है दाना मेथी। लहसुन को इसके साथ आने दीजिए, नीचे थोड़ी सी लाल हो जाएगी लहसुन। आप अगर लहसुन प्याज नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए, लेकिन काठियावाड़ इसमें लहसुन प्याज मूंगफली सब पड़ता है। इसमें मैंने डाला है जीरा 1 टीस्पून और ये डाली है भुनी हुई मूंगफली, ये पिसी हुई दरदरी पिसी हुई मूंगफली, जिसको मैं इसी मसाले के साथ ही भून लूंगी। लहसुन के मैंने कल अच्छे से हो गई है, तो मैंने इसके कलछी से ही देखे टुकड़े काट दिए हैं। मूंगफली भी भून गई है, इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून आम के अचार का मसाला। देखिए फ्रेंड्स यहाँ आ जाता है काठियावाड़ी टच, काठियावाड़ी इसमें लोग मसाला डालते हैं अचार का दाल में, ये फर्क है राजस्थान गुजरात और काठियावाड़ की दाल ढोकली में। अब हम डालेंगे अजवाइन, हींग, हींग आपको जितनी पसंद है आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। अब देखिए ये सब प्याज के साथ अच्छे से भून रहा है। इसमें हम इस समय थोड़ी सी बहुत जरा सी 1/4 टीस्पून हल्दी और डालेंगे। अब हम यहाँ डालेंगे साबुत सूखी हुई हरी मिर्च, और आपको लाल मिर्च साबुत डालनी है वो डालिएगा, और कड़ी पत्ता, मैंने 10 से 12 कड़ी पत्ते डाले हैं, और डाल रही हूँ टमाटर पिसे हुए 3, देखिए दाल का तड़का है। मैंने फिर से फ्लेम तेज कर दी है, इनको सबको अच्छे से मिला लूंगी। इसमें मैं डालूंगी अब गुड़, क्योंकि दाल गल चुकी है, नमक हमने दाल में डाल दिया था। अपने टेस्ट के हिसाब से इसको हम टमाटर में के रसे में ही गुड़ को हम मेल्ट होने देंगे। बहुत तेज गर्म है, देखिए गुड़ बहुत तेजी से मेल्ट हो गया, मैंने टुकड़े कर दिए थे गुड़ के छोटे, गुड़ भी ये डार्क कलर वाला गुड़ है जो अच्छा होता है।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने डाली है जो मेरे यहाँ लौंजी बनी हुई थी, उसमें से मैंने आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि मैं लौंजी में जो गुठलियाँ डालती हूँ उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ दाल वगैरह में, जो मसाला इसमें अच्छे से जज्ब हो गया होता है। देखिए इसमें मैंने गुठलियाँ निकाल के लौंजी में से, ये बहुत अच्छी मसाले की खट्टी मीठी हैं, इसमें मैं अब पानी डालती हूँ। और इसमें हम देखिए जितना पानी डाल रहे हैं ना, उसी हिसाब से फिर हमें इसमें नमक ऐड करना होगा, क्योंकि नमक हमने डाला था दाल के हिसाब से। और इसकी दाल हम थोड़ी पतली बनाते हैं, क्योंकि जब इसमें ढोकली पड़ेगी तब ये जो दाल है ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। मैं इसमें पानी और डाल रही हूँ। इसमें मैंने फ्रेंड्स तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दिया है। अब मैं ये दाल इसमें ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूँगी जितना ये पानी है उस हिसाब से। दाल में दाल के हिसाब से नमक है, अब इसमें इसके हिसाब से हम नमक डाल लेंगे। नमक इस हिसाब से डालिएगा कि आटे में भी नमक है ढोकली के। अब हम ये दाल इसमें उलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, दाल इतनी पतली है अभी, ये अभी औटेगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। इसमें उबाल आते ही इसको हम सिम कर देंगे और इसको उबलने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आटा तैयार है। ये एक पेड़ी मैंने तोड़ी है आटे से, अब मैं इसको ऐसे बेल लूँगी। इसको हमें पतला ही बेलना है, ना तो बहुत मोटा ना पतला, जैसे हम चपाती बेलते हैं। देखिए इसको बेलने में आपको ध्यान रखना है, एक तो आटा मुलायम रखना है हमको, इसको बेलने में हमें ध्यान रखना है। देखिए अगर ये मोटी होगी तो ये पकेगी नहीं ठीक से। इसको हम जैसे कुछ लोग होते हैं दाल ढोकली को सीधे से दाल में पका लेते हैं, काठियावाड़ स्टाइल में ऐसा नहीं होता है। इसको हम ऐसे पीसेस कर लेंगे। आप बड़े पीसेस करना चाहते हैं आप बड़े पीसेस भी कर सकते हैं। देखिए मैं इस साइज के रखती हूँ अक्सर, ये देखिए ऐसे। इसको भी मैं ऐसे आधा कर लूँगी। अभी यहाँ से पिज़्ज़ा कटर मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये है, ये भी कटा नहीं है इधर से, ये देखिए इस तरह से ये पीसेस हैं। इनको हम उबलते पानी में इनको हम बॉईल कर लेंगे। इनको हम बॉईल करेंगे तो इसकी एक निशानी है कि हम पानी में तेल डालकर जब बॉईल करेंगे, जैसे पकते जाएंगे ये ऊपर आते जाएंगे तली से, ढोक जैसे हम बनाते हैं ना गट्टे, बेसन के गट्टे, उसकी निशानी यही है कि जब पक जाते तो ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह जब ये पक जाते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं, तो जैसे ही ऊपर आते जाते हैं और हम इसको फिर उबलती हुई दाल में डालते जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ढोकली के लिए पानी तैयार है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इस उबलते पानी में हम धीरे धीरे ढोकली डालते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें धीरे धीरे ये सारी ढोकली डाल रही हूँ। आप ये मत चिंता करिएगा कि ये चिपक जाएंगी, ये नहीं चिपकेंगी बिल्कुल, ये सब उबल करके अलग हो जाएंगी। लेकिन हम धीरे धीरे डालेंगे थोड़ी थोड़ी, ये उबल करके ऊपर आती जाएंगी और हम इसको दाल में डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सब ये पड़ते ही देखिए उबलते ही ऊपर आ गई और सब अलग हो गई। तेल हम इसलिए डालते हैं
देखिए ये पास्ता कुकिंग की तरह ही है, जैसे हम पास्ता बॉईल करते हैं, स्पेगेटी हम बॉईल करते हैं, और ये हम जब तेल डालकर ही उनको हमें बॉईल करना होता है। देखिए ये उबलकर ऊपर आ गई सर। अब यहाँ दाल उबल रही है, इनको हम दाल में, उबलती हुई दाल में डालते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको दाल में डालेंगे सारी ढोकली को, तो हम एकदम से सारी नहीं डालेंगे, जितनी सर्विंग होगी उतनी ही बनाते जाइए और डालते जाइए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएंगी तो ये आटे की लुगदी की बन करके ना एकदम एक ना हो जाए घुल करके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर ना हो जाए कढ़ाई में एक के ऊपर लेयर्स। ये बहुत अच्छी सी हो गई हैं, बॉयल हो गई हैं, कलर भी देखिए इनका आ गया है, स्लिप कर रही हैं, देखिए कुक हो गई हैं बिल्कुल। ये देखिए ऐसे देखिए स्लिप हो रही हैं ये। अब मैं इनको निकाल करके सबको धीरे धीरे इसमें डाल दूंगी दाल में। आपको मैं दिखाती हूँ, मैं इससे लेती हूँ, यहाँ दाल उबल रही है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये दाल उबल रही है, इसमें मैंने दाल बिल्कुल ठंडी नहीं है, आंच पे चढ़ी हुई है, और मैं इसको यहाँ डालती जा रही हूँ। उधर ये पानी भी उबल रहा है ढोकली का, और इसमें मैं बाकी की देखिए, ये देखिए दाल हो रही है, ये देखिए इसमें ढोकली बस डाल दी है। हम ये कलछी अब निकाल देंगे, मैं बाकी की ढोकली डाल रही हूँ, आप देखते जाइएगा। ये देखिए उबल रहा है पानी, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि चिपक जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा और ये चिपकेंगी भी नहीं, बहुत आसानी से सब अलग हो जाएंगी ये आपकी ढोकली। लेकिन आप इनको उबलते पानी में ही डालिए। पानी उबल रहा है, मैं डाल रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स बॉयल हो रही है ये ढोकली, यहाँ पे सब अलग अलग हो गई, देखिए बड़े आराम से सब अलग हो गई। यहाँ भी ढोकली तैयार है बिल्कुल, देखिए आपको इसमें लेकर के दिखाती हूँ कलछी से। ये देखिए पूरी ढोकली देखिए एकदम साबुत है ना। ये होने दीजिए इसको, ढोकली को अच्छे से पकने दीजिए पानी में, बिल्कुल कच्ची नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये दाल में पड़ के लुगदी हो जाएगी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने में। ये काठियावाड़ी स्टाइल दाल ढोकली है जो इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप बनाइए और खाइए फिर बताइए कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी होती है। देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी मैंने डाली थी, सब ऊपर आ गई हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए तली में एक भी नहीं है, सब ऊपर है, ये देखिए सब ऊपर है और बिल्कुल पक गई हैं। और आप देखिए कुछ भी इनमें से आटा नहीं निकला है, बिल्कुल बढ़िया एकदम पास्ता की तरह आपकी तैयार हो जाती हैं। और अब हम इनको दाल में डाल देंगे, ये देखिए मैंने दाल में डाल दी। बस पतली बनी है ना, तो 2 या 3 मिनट लगते हैं इनको पकने में। पानी उबल रहा है, दाल यहाँ उबल रही है सिम पर, और ये बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स अब ये दाल ढोकली मैं यहीं से टेबल पे सर्व कर रही हूँ, डाइनिंग टेबल पर कैसरोल में रख रही हूँ। पहले हम धीरे धीरे अपनी ये ढोकली सारी निकालेंगे और इसमें हम कैसरोल में डालेंगे। देखिए मैं इसे सब सर्व कर रही हूँ।
एक साइड से। बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पर। बहुत ध्यान से आपको निकालनी है, कहीं भी किसी भी तरह से आपको कलछी ऐसे नहीं चलानी है, साइज में निकालिए ऐसे। ये देखिए इस पर आप देखिए पूरी साबुत है ढोकली ना, कोई भी ढोकली आपको घुटी हुई या टूटी हुई ऐसी नहीं नजर आएगी। ये देखिए बस, देखिए इसको मैं अब इस तरह से इसको मैं पोंच दूंगी कैसरोल को, सर्व करूंगी। फ्रेंड ये बहुत टेस्टी स्पाइसी बहुत ही बढ़िया दाल ढोकली तैयार है, और आप जरूर ट्राई करिए मेरे तरीके से बनाकर। ये काठियावाड़ी दाल ढोकली मैंने आज आपको शेयर करी है रेसिपी, जिस तरह से मैं बनाती हूँ और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बहुत टेम्प्टिंग है, माउथ वाटरिंग है, बहुत स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा अरोमा आता है जब आप कुकिंग करते हैं इसको बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अनूठी में विजिट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।